ऑल इंडिया शेफर्ड एसोसिएशन द्वारा गडरिया महासम्मेलन का आयोजन जंतर मंतर पर एडवोकेट राजेंद्र पाल जी ने किया। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य समाज को संगठित करना और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाना रहा। एडवोकेट राजेंद्र पाल जी ने बताया कि गडरिया समाज अब शैक्षिक रूप से सशक्त है और जिस हिसाब से कई अन्य पार्टियों में और कई दलों में काम कर रहा है उस हिसाब से राजनीतिक जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं, इसलिए समाज को एकजुट करके राजनीतिक जिम्मेदारी और भागीदारी दिलाने के लिए हमने ये संकल्प लिया है और ये संगठन तैयार किया है। इस कार्यक्रम में 500 लोगों की संख्या रही जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। एडवोकेट सर्वेंद्र पाल, एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश पाल, एडवोकेट ब्रजेंद्र बघेल, शशिकांत गुरुजी, वरिष्ठ समाजसेवी वेद प्रकाश पाल और वरिष्ठ समाजसेवी गणेश पाल चंद्रशेखर बघेल, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री श्री दिनेश बघेल और तमाम संगठनों से आए पाल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ जी सामने मैम, हाँ जी सामने देख सर, सामने देख लीजिए दादाजी, अंकल जी एक मिनट, इसका इसका बच्ची का जरूरत है, बच्ची का दादाजी। कर्नाटक से आए भाई रमन्ना जी, कृपया मंच पर आए। कर्नाटक से आए रमन्ना भाई जी, सम्मान के लिए मंच पर आए। समाज से भी बनता है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार जोरदार तालियां करेंगे हम अपने राजेंद्र भाई के लिए जिन्होंने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम भी सफल कार्यक्रम इस भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली पर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज मजबूत स्थिति में खड़ा होगा जिसके लिए हम आज यहाँ तक मेहनत करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। यह मेरा दूसरा कार्यक्रम है दिल्ली में। इससे आदरणीय ब्रह्म प्रकाश जी के साथ पिछली बार आया था जंतर मंतर पर, धनगर आंदोलन था और आज दूसरी बार गडरिया महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। साथियों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, सामाजिक मंच है, सभी पार्टियों के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। से निवेदन करता हूँ कि वो सब अपनी पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा हम सभी गडरिया समाज के लोगों को, ठीक है 25,000 की आबादी से कम हो, लेकिन हमें कमी क्या है, हमें कमी है कि हम पाल बने हुए हैं, बघेल बने हुए हैं, धनगर बने हुए हैं, हम गडरिया नहीं बने हुए। यदि हम एक गडरिया बन जाए तो हमारे देश की आबादी पूरे भारत की 13 करोड़ के आसपास है। आप अपना एक प्रधानमंत्री खुद चुन के भेज सकते हैं, मेरा ये वादा रखो, तो 2019 की लोकसभा आपके मजबूत कंधों से इसका सफल बनाने के लिए धन्यवाद। आपके समाज में मातृशक्ति आई हुई है, सुरभि पाल जी, संगीता पाल जी, योगिता पाल जी। मैं धर्मपाल जी से चाहूंगा, मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी गणेश पाल जी हैं जो कि निरंतर काफ़ी समय से समाज के लिए काफ़ी मशक्कत करते आए हैं। आज ही उनके से जानना चाहेंगे 2019 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, समाज की आपके तरफ से संगठन की क्या भागीदारी रहेगी? हमारा समाज के लिए भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी जो समाज की है, पिछले 10 साल से चल रही, इसके नेता परिवर्तन हो गए, पार्टी अपनी जगह है, पार्टी में समाज के लोग जुड़े हुए हैं, समाज की आकांक्षाएँ हैं इस पार्टी से, क्योंकि हमारे लोग धनाढ़ नहीं हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से कम पार्लियामेंट की टिकट नहीं है किसी पार्टी में चले जाइए, चाहे आप क्षेत्रीय पार्टी में चले जाइए या नेशनल पार्टी में चले जाइए, बिना पैसे की टिकट नहीं है। हम जो संगठन का काम कर रहे हैं, हम 10 सीटें जरूर लड़ाएंगे इस बार 2019 के चुनाव में और हम उम्मीद करेंगे समाज से कि उसमें कुछ जीत के जाएंगे। जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे जो दिखते हैं, गणेश पाल जी मुझे सारी चीज़ छोड़ के आप एक बता दीजिए, 2019 चुनाव में आप लड़ेंगे चुनाव? हाँ लड़ेंगे। किस सीट से?
सीट अभी नहीं बताएंगे, जो कार्यकर्ता जहाँ तय करेंगे वहाँ पार्टी भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी अपनी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी से लोगों को लड़ाएंगे समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो रखा गया था वो सिर्फ गढ़िया समाज को सशक्त बनाने के लिए, ज्यादातर युवाओं के लिए आह्वान किया गया था ताकि युवा आए और समाज को नई दिशा दें, क्योंकि आज अगर समाज अगर तरक्की करेगा तो युवाओं के तहत पर करेगा। हमारे जो भी सीनियर बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनसे सीख करके आज युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कितनी संख्या रही आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में मुझे जो अंदाजा है कि 500 से 1000 के बीच में रही, जो मुझे लगा। और ये लोग दिल्ली NCR से बाहर से नहीं, बाहर से अदर स्टेट से आए थे, कर्नाटका से आए थे, MP से आए थे, बिहार से आए थे, UP से आए थे, हरियाणा से आए थे। समाज की इतनी संख्या होने के बाद समाज तो बहुत सारा है, लेकिन दिल्ली में इतना समाज कम। हमारे दिल्ली में एक्चुअल है क्या कि यहाँ पर इतने टीम बनी है अलग अलग, वो एक दूसरे के ईगो है, ईगो की वजह से ये लोग एक दूसरे में नहीं सपोर्ट कर पाते। ये हमारे समाज के दुर्भाग्य है। अगर हम अपने आपसी मतभेद भुला करके एक दूसरे के साथ चलें, जिससे कंधा से कंधा मिला चले, तभी समाज का कल्याण होगा। हम एक दूसरे की बुराइयाँ करना बंद कर दें। जय करिए समाज, जय भारत, जय हिंद। जी एडवोकेट जुनाली जी, आप हमें बताएं कि आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी किस तरह की चाह रहे हैं? राजनीतिक भागीदारी का मतलब कि जैसे पहले उसमें जाने के लिए टिकट मिलना चाहिए, आज ये लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में श्रीनिवास जी लीडर्स है उनको मतलब वो देना चाहिए। आप गढ़िया समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे आपका चुनाव लड़ने का कोई विचार है? मेरे तो नहीं है, पर जो ऐसा नेता हम ढूंढ रहे हैं जैसे राजेंद्र पारा टिकट जी है, समाज के लिए काम करते हैं, ले हम समाज के लिए निकल के आते हैं। जो जैसे कि आप लॉयर हैं, आप क्या देखते हैं कि आप क्रिमिनल देखते हैं, सिविल देखते हैं, क्या है? क्रिमिनल देखते हैं। आज की जिस समय दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, तो दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार की क्या बात करें, सभी जनता जानती है स्वामी जी, उसमें मैं कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा, दिल्ली सरकार ने क्या मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो वादा किया था, क्या पूरा हुआ? सुरक्षा का वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर सुरक्षा का वादा पूरा होता, देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ या फिर लेडीजों के साथ किस तरह की मतलब जैसे वही बलात्कार हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम हुआ समाज का गढ़िया महासम्मेलन, उसके बारे में क्या विचार? तो हमारा ऐसा है जो आज हम ताकत दिखा रहे हैं दिल्ली में, ये हमें हर जगह दिखानी पड़ेगी, जगह जगह, क्योंकि जिस तरह से हमारी भागीदारी नहीं है, अगर ये हमें भागीदारी नहीं दे रहे हैं तो हम इन्हें हराने का काम करेंगे, क्योंकि अगर जब तक हम इन्हें नहीं हराएंगे तो ये हमें भागीदारी भी नहीं देंगे। आपकी लोकसभा कौन सी पड़ी? मेरी हमारी जो लोकसभा है मेरठ हापुड़ लोकसभा है, जिसमें हमारे लोग 125,000 आदमी हमारा निवास करते हैं। आप भी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं अपनी लोकसभा से? हाँ, किस पार्टी से? मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी में जो अति पिछड़ा लोग है, जो आज तक छलता हुआ है, वो हमारा पूरा तरीके से सहयोग कर रहा है। समाज का वोट आपके साथ है? बिल्कुल, तन मन धन से तैयार है वो, रात दिन जब चाहे जब तैयार है वो। उत्तर प्रदेश में 2019 का लोकसभा चुनाव अच्छी तरह से आपकी पार्टी लड़ेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है, और वो पार्टियां भी देखेंगी किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबसे ज्ञान ले रहे हैं किस तरह से हमें धोखा देते हैं, किस तरह से हमें छलते हैं, हम सब चीज़ को उन पर ध्यान रखते हुए हम अपना काम। हमारे साथ BJP के लीडर हैं, OBC मोर्चा के मंत्री दिनेश बघेल जी। दिनेश बघेल जी, बताएं अभी जो कांग्रेस सरकार ने जीत हासिल की है 3 देशों में, उसे इनका कार्यशैली समझे या BJP की नाकामी? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है, उसमें कहीं ना कहीं ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर जो है सीधा
तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई ऐसी योजना स्टार्ट की, मेरा एक ही मकसद था कि जैसे पहले दिल्ली में किया था केजरीवाल ने, ऐसे मध्य प्रदेश में भी देखेंगे या राजस्थान में भी देखेंगे उन्होंने क्या कहा था मैनिफेस्टो में भी देखेंगे उन्होंने हर व्यक्ति को एक परिवार से एक नौकरी देंगे हम, वो 10,000 रुपये की नौकरी देंगे। दूसरा मुद्दा था कि हर पंचायत में हम एक गौशाला खोलेंगे। सबसे बड़ा माध्यम ये था कि जो गाय है वहाँ मध्य प्रदेश में जो आवारा है, गाय की राजनीति बीजेपी बहुत करती है। मैं जी इतना चाहूंगा कि केवल आप इतना बताएं कि बीजेपी की नाकामी थी या कांग्रेस का कार्यशैली। देखिए मुझे लगता है जैसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दों पर और जिस एक सीधा उदाहरण था वहाँ पे जिस मुद्दों पर लड़ाई लड़ती थी, आज वही कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर लड़ रही है चुनाव। नहीं तो राहुल गांधी ने बोल दिया ना कि सीधा, सीधा देखो मुझे उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। देखिए देखिए उमेश जी, सीधा सीधा मेरा एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने एक पॉइंट चुना जैसे मैंने कहा नहीं आपसे, केजरीवाल जो है यहाँ पर कहीं भी पार्टी नहीं थी यहाँ पे दिल्ली में, इस तरीके से केजरीवाल ने 67 सीटें यहाँ पे उपलब्धि की, पर जनता के बीच में उन्होंने झूठ और फरेबों का काम किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी उन्होंने झूठ का किस पर झूठ आप कह रहे हैं राफेल मामले पे कह रहे हैं आप राफेल का तो देखो मुद्दा ही नहीं था, राफेल स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि यहाँ पे राफेल का जो सीधा सीधा वो था कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी हम वो नहीं करेंगे, वो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी राफेल के मुद्दे पर किसी भी तरीके कोई भी आरोप नहीं है उसमें। मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं कि राफेल पे, और ये देश की 2019 में बीजेपी की दशा क्या रहेगी? देखिए 2019 में लोकसभा की दिशा और दशा एकदम स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और यहाँ की जनता जो है पूरा जो स्पष्ट रूप से विश्वास के साथ आप कह सकते हैं, जैसे मुझे लगता है विश्वास सीधा सीधा है यहाँ पर विकास की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही। छत्तीसगढ़ में और ये तुम्हारा MP में राजस्थान में विकास नहीं किया था उन्होंने? देखिए राजस्थान में विकास किया था, मध्य प्रदेश में विकास किया था, और छत्तीसगढ़ में विकास किया था। मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो है उन्होंने सीधा सीधा जाति और उसमें जो है मैंने कहा नहीं आपसे मैनिफेस्टो वाली बात, ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की बात रही है, और सीधा सीधा यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे सीधी जो लड़ाई थी वो समाज जानता है और जनता जानती है। बाबू जी आज आपका जो कार्यक्रम आए गडरिया महासम्मेलन में आपका नारा क्या? गडरिया हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, गडरिया हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज हम मौजूद हैं इस समय जंतर मंतर के, जंतर मंतर पे गडरिया महासम्मेलन, राजेंद्र पाल जी एडवोकेट राजेंद्र पाल जी हैं जो कि उनकी पूरी टीम के साथ उन्होंने आयोजित किया कार्यक्रम का, जानकारी लेना चाहेंगे कि कार्यक्रम जी। पाल साहब, ऑल इंडिया सेफर्ड के एसोसिएशन के द्वारा आज ये गडरिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारी जाति जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है, लगभग देश में 15 करोड़ की जनसंख्या है। हमें अपनी जाति के आबादी के अनुसार लोकसभा विधानसभा निगम पार्षद और सभी स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी मिले, इस बात को लेकर के यहाँ आज गडरिया महासम्मेलन किया गया। इसमें पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, दिल्ली NCR के लोग आए। आज का हमारा जो सम्मेलन है इसमें सभी ने यह संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी राजनीतिक भागीदारी हो, सभी राजनीतिक दलों को हमने एक तरह से चेताने का काम किया है कि गडरिया समाज को अब आपको सम्मान देना पड़ेगा, उनको टिकट देने पड़ेगा। जी वकील साहब, आपकी इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई राजनीतिक संगठन बनाने की तैयारी है? राजनीतिक संगठन बनाने की तैयारी नहीं है, इसमें अपने समाज का इतिहास सर्व समाज को पता लगे, हमारे लोगों में चेतना शिक्षित हों, और हमारे समाज के लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं किसी भी उसमें काम कर रहे हैं सत्ता में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए और वो चुनकर जाने चाहिए, ऐसी हमने अपने समाज के लोगों की सोच बनानी है और उनको एकजुट करना है, संगठित करना है। आज का मेन सब्जेक्ट क्या था इस कार्यक्रम को लेकर? आज का मेन सब्जेक्ट यही था कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारी 15 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से कम हमारे 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने चाहिए और वो चुनकर जाने चाहिए। जिस तरह से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, और अब तक की आपकी जो रूपरेखा रही समाज में, आगे चल के आप क्या लोकसभा की तैयारी में हैं? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। हम अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2019 के लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चुनकर संसद में जाएं। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? समाज के लोगों की इच्छा है, मेरा खुद भी तैयारी है। किस लोकसभा से? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ।
तैयारी है आपकी? तैयारी है। किस पार्टी से? अभी कुछ नहीं कह सकते, तैयारी है, मेरी अपनी स्वयं की तैयारी नहीं है, समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाना है, समाज के लोगों के लिए तैयारी है। आगे भी कोई प्रोग्राम करने की इस तरह का है मुहिम आपकी? हाँ, ये लगातार हमारे कार्यक्रम चलेंगे, समाज को चेताने के लिए, समाज को जगाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए लगातार हमारे कार्यक्रम चलेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप आएंगे? हमारे समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा आए, ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपका मेन मोटो समाज को उत्थान? समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी ज्यादा से ज्यादा मिले, ये हमारी तैयारी है आज के सम्मेलन। जी वकील साहब, आज के जो कार्यक्रम रखा राजेंद्र पाल जी, उसका मेन मोटो समाज के लिए क्या क्या दशा दशा पैदा करें? एडवोकेट राजेंद्र पाल जी ने जो आज प्रोग्राम रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा समाज है, जो उत्तर प्रदेश में के अलावा भारत के 29 राज्यों में निवास करते हैं, जितनी संख्या समाज की देश में है, 15% समाज देश में है, 15 करोड़ के लगभग समाज है, उसके बावजूद 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ, 1952 से लेके आज तक जितने भी राजनीतिक दल, उन्होंने इस समाज को, इस समाज की भागीदारी के अनुपात में कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी है। इसीलिए इसी उद्देश्य से यही मकसद है इस सम्मेलन का कि हम लोग अपने समाज की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। आपका भी भविष्य में कभी इस तरह का विचार है कि किसी लोकसभा विधानसभा कोई चुनाव आप देखिए आगे? जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनका ये मन रहता है, यही सोच रहती है कि कहीं ना कहीं मीडिया भाई विधानसभा लोकसभा लड़ने के लिए मिले। जब आदमी विधानसभा लोकसभा में चुन के जाता है तो वो अपनी पार्टी के साथ साथ अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वहीं विधानसभा में और लोकसभा में ही प्रदेश और देश के लिए कानून बनता है, नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसी बनती हैं, तो इसलिए निश्चित है ये तो जाहिर है। आप जैसे कि आप एडवोकेट भी हैं और सोशल भी हैं, राजनीति भी करते हैं, एक मेरा सवाल आपसे, आज की जो दशा और दशा है, जो कांग्रेस की 3 स्टेटों में सरकार बनी, उसमें बीजेपी की नाकामी है या कांग्रेस ने अच्छे कार्य क्या है, क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी की नाकामी नहीं कह सकते। होता क्या है कि जब लंबे समय से जहाँ सरकारें रहती हैं, दो तीन बार सरकारें रहती हैं, तो सरकारों के विरोध में काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और इस देश में, भारतवर्ष में भेड़ चाल, जनता जो है समझने सोचने का काम पढ़े लिखे लोग भी कम करते हैं। बगिन साहब, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि बीजेपी ने अच्छे कार्य नहीं किए और कांग्रेस अच्छा कार्य करने लगी है। नहीं, बीजेपी ने अच्छे कार्य किए, ऐसा नहीं, सरकार क्यों नहीं आई थी? बीजेपी ने अच्छे कार्य किए, सरकार ना आना ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, उस प्रदेश की जनता ने सोचा होगा। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर बघेल भी हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक हैं। चंद्रशेखर बघेल जी, बताएं आज के कार्यक्रम की भूमिका। कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि ये जो पाल बघेल धनवर इसको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, इसके प्रयास अब फेल हो चुके हैं। राजनीतिक भागीदारी कहाँ नहीं मिल पाई? राजनीतिक भागीदारी में आपके उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं, राजाराम पाल जी रह चुके हैं, सतीश पाल जी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, काफी लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए दो या एक लोगों से राजनीति पूरे प्रदेश की, पूरे समाज की नहीं होती। हमारा समाज हर लोकसभा में 1 से 1.5 लाख है। बघेल साहब, 2019 के चुनाव में क्या आप आ रहे हैं? 2019 में 110% भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश के कब 120 करोड़ लोगों को चुनकर उनको लाभार्थी बनाया, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनाए, समझाए। मेरा कहने का मतलब बघेल साहब, 2019 के चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? 2019 में भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ और 110% लड़ूंगा। किस लोकसभा से? मैं अभी 2-3 लोकसभाओं पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी वो कहने का सही समय नहीं है,
और जिस वक्त हरी झंडी मिल जाएगी तो मैं 100% मैं आपको बुलाकर कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। TV29 न्यूज आपके साथ है, हमेशा आपको कवरेज करेगा और मेरी शुभकामना है कि आपको टिकट मिले, मैं आपके लिए कार्य करूँगा। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम बताते हैं ना, वो तो नहीं बता रहे, हम लड़ाएंगे 10 सीट।